नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। 26/11 का मुंबई हमला, इस हमले ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था, क्योंकि होटल ताज और ट्राइडेंट में दुनिया के कई देशों के मेहमान मौजूद थे, जिन पर भी आतंकियों ने हमला किया था। यह हमला पाकिस्तान प्रायोजित था, यह सबको पता है, लेकिन इस हमले से जुड़े सच मौके मौके पर सामने आते रहते हैं। अब इस हमले से जुड़े नए खुलासे हुए हैं और यह खुलासे मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी आत्मकथा लेट मी से नाउ में किए हैं। राकेश मारिया ने मुंबई के 26/11 के हमले में एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल आपको याद होगा, इस हमले को हिंदू आतंकी साजिश बताने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। दरअसल राकेश मारिया ने अपनी किताब में दावा किया है कि यह साजिश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISIS ने रची थी और इसका प्लान था कि 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद का जामा पहनाया जाए। इसलिए इस हमले के सभी 10 हमलावरों को हिंदू साबित करने के लिए ISI ने उनके साथ फर्जी आई कार्ड भी भेजे थे। कसाब के पास भी एक ऐसा ही आई कार्ड मिला था जिस पर समीर चौधरी नाम लिखा हुआ था। अगर आप हमलावर कसाब की फोटो देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि कसाब ने जांच को भटकाने के लिए अपने हाथ पर कलावा बांधा हुआ है। इस कलावे का रंग देखकर आप समझ सकते हैं कि यह ताजा ही हाथ पर बांधा गया था, मतलब जिस दिन ये हमला करने आए उसके पहले उन्होंने हाथ पर ये कलावे बांधे थे, क्योंकि ये पहले अगर पहने होते तो गीला होने के बाद कलावे का रंग हल्का छूटा होता, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये कलावा एक भी बार गीला नहीं हुआ है। मारिया ने अपनी किताब में यह भी दावा किया कि जब कसाब को जिंदा पकड़ा गया तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के हाथ पांव फूल गए थे और वे किसी तरह से आतंकी कसाब को रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि कसाब मुंबई हमले का सबसे बड़ा और इकलौता सबूत था। इसलिए उसे मारकर इस सबूत को ही वे खत्म करना चाहते थे। रिटायर्ड IPS अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग को भी कसाब को मारने की सुपारी दी गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस की चौकसी के आगे वो कामयाब नहीं हो पाए। पूर्व IPS ऑफिसर ने अपनी किताब में यह भी दावा किया है कि पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि आतंकी की डिटेल मीडिया में लीक न हो, साथ ही वे कसाब की फोटो जारी करने के पक्ष में भी नहीं थे। अब कसाब से जुड़ा यह खुलासा होते ही BJP के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया और फिर से इस मामले के जांच की मांग कर दी है। स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 26/11 का मुंबई आतंकी हमला मनमोहन सोनिया गांधी सरकार और ISI का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसका मकसद RSS को बैन करना और हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ना था। सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि स्वामी के इस ट्वीट पर मोदी सरकार का क्या जवाब आता है, क्या वो फिर से इस हमले की जांच कराते हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 3 जगहों पर हमला किया था। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इन 10 हमलावरों में बस एक अजमल कसाब ही जिंदा पकड़ा जा सका था। कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवडा जेल में फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो ये राकेश मारिया की किताब में किए गए दावे, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने इसी तरह की साजिश रची होगी जो राकेश मारिया ने दावा किया है, और हिंदू आतंकवाद की गढ़ने की जो थ्योरी है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है, उनके दावे में आपको कितनी सच्चाई लगती है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर से अवेयर हो पाएँ, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए VK News। शुक्रिया।